नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम 7 बजे की बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे सीएम योगी कैसे लोकसभा में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं हो रही है। सीएम ने आज विपक्ष को कैसे घेरा आपको दिखाएंगे इस बुलेटिन में। वहीं विपक्ष बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मिशन यूपी पर है। नड्डा ने आज कहां कहां प्रचार किया ये भी बताएंगे। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने कैसे बीजेपी पर हमला बोला है आपको दिखाएंगे। और मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं की तुलना में कैसे से बढ़ रही है, बीजेपी नेताओं ने कैसे कांग्रेस को घेरा है यह भी आपको दिखाएंगे। तो दूसरी तरफ और भी खबरें होंगी, बड़ी खबरें होंगी इस बुलेटिन में। आज सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी, धौरहरा और सीतापुर में प्रचार किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले गरीब भूखों मरता था, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद गरीबों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। गरीबों को बीजेपी सरकार में इलाज भी मिल रहा है। 4 करोड़ गरीबों को मकान मिले हैं, जो बच गए हैं मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल में मकान इन लोगों को भी देगी। लखीमपुर सीतापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। केंद्र की योजनाओं का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में योजनाओं का और विस्तार किया जाएगा। पहले गरीब भूखों मरता था, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पहले गरीब स्वास्थ्य सुविधा के भाव में दम तोड़ता था, आज 60 करोड़ लोगों को इस सुविधा प्राप्त हो चुकी है। पहले बहनों और भाइयों, पहले किसान आत्महत्या करता था, आज 12 करोड़ किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पहले नारी गरिमा तार तार होती थी, आज 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं। पहले गरीब के घर में बरसात के समय में भोजन नहीं बन पाता था, क्योंकि लकड़ी नहीं थी, किरोसिन नहीं था, एलपीजी के सिलेंडर नहीं थे। आज 10 करोड़ गरीबों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर देश के अंदर प्राप्त हुए हैं। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। और मोदी जी ने कहा है अगले 5 वर्ष में शेष बचे हुए गरीबों को मकान दे देंगे। अगले 5 वर्ष में जो बचे हुए गरीब हैं उनको रसोई गैस का सिलेंडर फिर फ्री में देंगे। मोदी जी ने कहा है हर घर नल की योजना 100% सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। सीएम योगी ने सैम पित्रोदा के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सैम पित्रोदा ने हमेशा से देश को बांटने का ही काम किया और पित्रोदा के इस बयान के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। का यह बयान अत्यंत निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी को स्वयं के उन कृत्यों के लिए जो आज सैम पित्रोदा के मुंह से बोल रही है, बुलवा रही है, इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वह उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत को किस रूप में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, रंग और चमड़ी के आधार पर देश के किस खतरनाक साजिश का पर्दाफाश ये हो रहा है, ये सचमुच बहुत खतरनाक मंशा कांग्रेस की दिखाता है। फतेहपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार भारत को विकसित भारत बनाने में लगी है, इस बार वोट विकसित भारत के लिए होना चाहिए। जेपी नड्डा ने कहा कि भारत के विकास की दुनिया भर में चर्चा है, आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। चुनाव में आए हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे, इस काम के लिए हम आगे आए। ये बदलता भारत है। आज लोगों की आकांक्षाएं, आशाएं बदली हैं। लोगों के समझ में आया है कि नहीं, नेता देश को बदल सकता है, नेता देश को नेतृत्व दे सकता है।
और जो भारत पिछड़ा भारत था आज दुनिया में इसकी डंका बज रही है और दुनिया में देश का नेतृत्व करने का काम मोदी जी ने किया है, यह हमारे ध्यान में आता है। रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश सिंह के पक्ष में माहौल बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ रायबरेली पहुंच रहे हैं। 12 मई को जीआईसी मैदान में सुबह 10 बजे अमित शाह की रैली होगी। वहीं 13 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ एहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। दिनेश सिंह ने कहा कि रायबरेली में इस बार कमल खिलेगा और रायबरेली का तेजी से विकास होगा। रायबरेली वासी भली भांति जानते हैं कि अगर रायबरेली में कमल खिला तो डबल इंजन की सरकार रायबरेली वासियों की सेवा करेगी, रायबरेली का विकास करेगी। इसमें कुछ भी असत्य नहीं है, लगातार सेवा हो रही है। जितना सोनिया गांधी जी के 20 सालों में और सुपर प्रधानमंत्री के 10 सालों में भी रायबरेली का विकास नहीं हुआ, उससे ज्यादा विकास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने रायबरेली का किया। इधर देवरिया लोकसभा के लिए नॉमिनेशन भरने के दौरान बीजेपी प्रत्याशी दौड़ लगाते नजर आए। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार नॉमिनेशन भरने के लिए जुलूस के साथ जा रहे थे, लेकिन नामांकन भरने का वक्त खत्म हो रहा था। 3 बजने में कुछ मिनट ही बचे थे, जिस वजह से उन्हें दौड़ते हुए नामांकन के लिए चुनाव अधिकारी के ऑफिस पहुंचना पड़ा। दरअसल निर्वाचन आयोग के नियम के मुताबिक प्रत्याशी को 3 बजे तक ऑफिस में पहुंच जाना होता है और यही वजह थी कि बीजेपी प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी और उनके प्रस्तावक दौड़कर नॉमिनेशन कक्ष में पहुंचे और फिर नामांकन पत्र दाखिल किया। इधर कन्नौज में एसपी के पूर्व मंत्री ने एसपी के पक्ष में वोटिंग की अनोखी शपथ दिलाई है लोगों को। पूर्व मंत्री सुधाकर कश्यप ने सिर पर जनता के जूते चप्पल की गठरी रखी, एसपी के पक्ष में वोट की शपथ दिलाई। ये आपकी जूती मेरे सर पर रखी है, ये जूती इसलिए आपने सिर पर आपके सिर के अपने सिर पर रखी है, ये आपके चरणों की धूल है। मैं आपके चरणों की धूल की कसम खाता हूँ कि अपनी जात को न्याय दिलाऊंगा, अपनी जात के लिए संघर्ष करूंगा, अपनी जात को आगे बढ़ाऊंगा, बाबा साहब के सपने को साकार कराएंगे, बाबा साहब के संविधान को बचाएंगे। निश्चित तौर पर आपको वादा करना होगा कि क्या बाबा साहब के संविधान को बचाओगे कि नहीं बचाओगे, बताओ बाबा साहब के संविधान को बचाओगे कि नहीं बचाओगे। उधर घोसी में वार पलटवार अब चरम पर है। मंत्री ओपी राजभर ने कहा था कि उन्होंने राजीव राय को एसपी से टिकट दिलवाया ताकि वो हमें जिताने में मदद कर सके। इस पर एसपी प्रत्याशी राजीव राय ने पलटवार किया और कहा कि ओपी राजभर को सरकार में मनोरंजन मंत्री का पद मिलना चाहिए। मतलब हमसे कहीं से क्या मतलब? हाँ, इतना जरूर है कि राजीव राय जी को टिकट दिलाने में हमने भूमिका अदा की है कि इनको इस नाते दिलवाया है कि ये हमको जितवाने का काम करेंगे। आप उनकी बिरादरी में 50 लोगों से पूछिएगा, 100 लोगों से पूछिए, 100 में 40 से 50 लोग छड़ी पर वोट देने जा रहे हैं। तो मुकाबला किससे है? बस कहीं लड़ाई नहीं, नहीं कहीं लड़ाई नहीं, दो नंबर पे कहीं बसपा रहेगी। बसपा प्रधानमंत्री जी कभी कहते हैं कि सांड है, कभी कहते हैं गाय है, कभी कहते हैं तोता है, कभी कहते हैं शेर है, तो अपने दोनों बच्चों को बांधे छाने कुटियाएँ, क्योंकि मैं तो इंसान का बच्चा हूँ ना, मुझे कैसे कोई बांध सकता है। और बीमार हैं, जब बीमारी बढ़ जाती है ज़्यादा ना तो आदमी उल्टा सीधा बोलने लगता है। एक बकबकाइटिस बीमारी होती है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बकबकाइटिस नाम की बीमारी से ग्रस्त हैं और इनका बड़बोलापन सब आप लोग जानते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा, जिस आदमी के जुबान पर लगाम नहीं हो, इस आदमी कब किसको गाली दे देंगे, कब किसको कुछ बोल देंगे, उल्टा सीधा बोलना, कभी आज कुछ बोलना, कभी कल कुछ बोलना, ऐसे व्यक्ति को इतने महत्वपूर्ण पद पर रहने के बजाय मनोरंजन मंत्री का पोर्टफोलियो दे दें, वो घूम घूम मनोरंजन करते रहेंगे।
दर बीएसपी ने आज अपनी 14वीं लिस्ट जारी की और दो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। इस लिस्ट में खास बात यह है कि मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा झटका दिया। कुशीनगर से बीएसपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। कुशीनगर से शुभ नारायण चौहान बीएसपी के उम्मीदवार होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर में बीएसपी का सपोर्ट चाहते थे, लेकिन मायावती ने अपना प्रत्याशी उतार कर स्वामी प्रसाद मौर्य को जबरदस्त झटका दिया। वहीं बीएसपी ने देवरिया से संदेश यादव को बीएसपी का प्रत्याशी बनाया है। कुशीनगर से आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 3 सेट में अपना नामांकन दाखिल किया। मौर्य ने कुछ दिन पहले राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी यानी कि आरएसएसपी बनाई थी। आरएसएसपी पार्टी से ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने नामांकन दाखिल किया है। पडरौना विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके हैं स्वामी प्रसाद। और अगली खबर कन्नौज से। आज डिंपल यादव अपने पति और कन्नौज से एसपी प्रत्याशी अखिलेश यादव के लिए प्रचार करने पहुंची। छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र में डिंपल ने जनसंपर्क किया। डिंपल यादव ने लोगों से साइकिल पर वोट देने की अपील की। उधर लखीमपुर खीरी के धौरहरा में आज अखिलेश यादव ने प्रचार किया। अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, इस बार जनता बीजेपी को जवाब देगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। आज मीडिया से बातचीत के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी के नेता बिना कांग्रेस के घोषणा पत्र को पढ़े कुछ भी कह रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती। मेरी सलाह ये है उन्हें, हालांकि वो प्रधानमंत्री हैं, बड़े हैं, लेकिन मेरी सलाह ये है कि पहले मैनिफेस्टो को पढ़ लें, फिर उस पर टिप्पणी करें। उन्होंने पढ़ा नहीं है, जो उनके मन में आता है वो कह देते कि इसमें लिखा है। ये सारी चीजें जिनकी बात ये कर रहे हैं वो लिखी नहीं। एक राहुल जी और अखिलेश जी को सहजादे कह रहे हैं। दीदी स्मृति ईरानी कह रही है कि मैं चुनौती देती हूँ राहुल गांधी प्रियंका गांधी को कि कोई भी खड़े हो जाए और हमारा प्रवक्ता खड़ा हो जाएगा बीजेपी का, मुद्दों पे बात करें। मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं आप। हम मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप तो देख रहे हैं कि रोज रोज हम ही मुद्दों पे बात कर रहे हैं। वो लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं और क्या चुनौती है। रोज रोज तो मैं मुद्दों पे ही बात करती हूँ। महंगाई, बेरोजगारी, इन पे कौन बात कर रहा है बीजेपी में? कोई नहीं कर रहा है। श्रावस्ती लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी साकेत मिश्रा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। साकेत मिश्रा ने कहा कि श्रावस्ती के विकास पर फोकस है। पहले की सरकारों ने पूर्वांचल पर ध्यान नहीं दिया, बीजेपी की सरकार बनने के बाद तेजी से विकास हो रहा है। केवल 2014 से जब माननीय प्रधानमंत्री आए, उन्होंने पहले आकांक्षी जिला इसको बनाया जिससे यहाँ पे संसाधन ज्यादा आने लगे। उसके बाद शायद पहली बार उत्तर प्रदेश में चीफ मंत्री मुख्यमंत्री आए माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने पूर्वांचल को प्राथमिकता दी। सो मुश्किल ये है, मुश्किल इसमें तो कनेक्ट कौन यहाँ पे सांसद था उसकी नहीं थी, मुश्किल थी मानसिकता की, जिसने पूर्वांचल पे पिछड़ेपन का ठप्पा लगा दिया था। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।